दोस्तों आज की वीडियो ग्राफ्टिंग के ऊपर है। ग्राफ्टिंग में हम एक प्लांट में दूसरे प्लांट की कलम को एक स्पेशल टेक्निक से लगाते हैं ताकि एक ही प्लांट में अलग अलग रंग के फूलों का मजा ले सकें। जैसे कि आप प्लांट देख रहे हैं दोस्तों सामने, इसमें दो कलर के फूल हैं। एक हमारा ग्राफ्टिंग किया हुआ है जो रेड है, जो रोज जैसा आ रहा है ये वाला, ये हमारा ग्राफ्टिंग किया हुआ है। और बाकी जो इसका नेचुरल कलर है वो इसका पिंक है ये वाला। तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से अपने एडेनियम में अच्छे अच्छे फ्लावर आप ले सकते हैं। और इसमें हमने व्हाइट की भी की थी ग्राफ्टिंग, लेकिन अभी व्हाइट कलर इसमें आया नहीं है। जब वो आ जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमने इसमें भी ग्राफ्टिंग की है, देखिए यहाँ से, इसमें यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है। तो इसका भी जो फूल है वो काफ़ी सुंदर है, आप देख रहे हैं। और दोस्तों एक वाइट है, इसमें भी यहाँ से ग्राफ्टिंग है नीचे से ये वाला, तो इसमें हमारे को वाइट कलर मिल रहा है। दोस्तों आप भी अपने ही एडेनियम को ऐसे खूबसूरत बना सकते हैं और नए नए आप फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आज आपको ग्राफ्टिंग बताएंगे कि कैसे हम घर में ही ग्राफ्टिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें ग्राफ्टिंग करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक अवश्य करें। दोस्तों बेल बटन भी दबा दें ताकि नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम ग्राफ्टिंग करेंगे अपने। अभी आपने देखा हमारे कितने अच्छे ग्राफ्टिंग के फ्लावर्स आए हुए हैं दोस्तों। वैसे तो हमारा जो देसी एडेनियम होता है, देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो देखिए तो दोस्तों, हालांकि ये अपने आप में बहुत सुंदरता लिए हुए होता है, लेकिन आजकल जब इसमें ग्राफ्टिंग के अंदर हम लगाते हैं तो इसमें बहुत सारे कलर्स हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाइट कलर में है, ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा है सिंगल पत्ती वाइट में है, ये पिंकिश शेड में है, थोड़ा सा देखिए कितना भर के सुंदर आया हुआ दोस्तों। ये हमने आपको पहले भी दिखाया था और दो चार कटिंग में ऊपर अपने लेके आया हूँ दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों आपको जिस पे प्लांट पे भी ग्राफ्टिंग करनी है, सबसे पहले आप अपना प्लांट सेलेक्ट कर लीजिए। और प्लांट सेलेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो एडेनियम है जिस पर आप ग्राफ्ट करने जा रहे हैं वो कम से कम 1.5 से 2 साल से ऊपर का हो, बहुत ज़्यादा पुराना भी ना हो। लेकिन 1.5 से 2 साल वाले पे आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छी ग्राफ्टिंग हो जाती है, बहुत उसकी संभावना रहती है कि आपका ग्राफ्टिंग सक्सेस हो। उसका बेस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और दोस्तों उस पर थोड़ा सा फुटाव वगैरह हो, यानी कि वो थोड़ा बढ़ रहा हो, यानी कि वो वेल सेटल हो। ऐसा ना हो कि अभी आपने उसको रिपोर्ट किया हुआ है और अभी उसमें कुछ उसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है और आप उसमें ग्राफ्टिंग कर दें, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगी आपके ग्राफ्ट को, तो फिर वो आपका ग्राफ्ट फेल हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों। हम वी वी ग्राफ्टिंग करने जाएंगे, इसके बाद मैं इसकी फ्लैट ग्राफ्टिंग भी आपको करके दिखाऊंगा। दोनों ही ग्राफ्टिंग प्रोसीजर इजी है दोस्तों। आप अगर पहली बार कर रहे हो तो पहली बार आप वी ग्राफ्टिंग में करिए, वी ग्राफ्टिंग ज़्यादा ईजी होती है और इसमें बहुत संभावना होती है कि आपका ग्राफ्ट सक्सेस हो जाए। और दोस्तों अगर एक बार फेल भी हो जाते एक दो बार, तो आप करते रहिए, आपको फिर धीरे धीरे आप अपने आप सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ही ग्राफ्टिंग करते हैं और एकदम से सक्सेस मिल जाती है, कई बार ही कुछ कमियां रह जाती हैं जिसके कारण हमारा ग्राफ्ट फेल हो जाता है, लेकिन आपको करते रहना है दोस्तों। जो चीज़ें हमें चाहिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। हमें क्या क्या चाहिए, एक तो आपके पास शार्प नाइफ होना चाहिए दोस्तों, किसी भी प्रकार का नाइफ आप ले सकते हैं जो थोड़ा शार्प हो, इस टाइप का हो, ये देखिए दोस्तों, ये जो आपके उसको एक बारी में पूरा काट सके दोस्तों। वी ग्राफ्टिंग के लिए हमें इस प्रकार के एक ब्लेड की ज़रूरत होगी। आप बड़े वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा अच्छा कट लगता है दोस्तों और बड़े आराम से इसमें लग सकता है। तो ध्यान से आप देखिए, ये बिल्कुल नया होना चाहिए आपका, ये दोस्तों इसको हम दो हिस्सों में बांट लेंगे, ये दो हिस्से कर लेंगे, अभी हमारा ये काम आएगा दोस्तों। थोड़ा सैनिटाइजर भी अपने पास रखें, क्योंकि एक बार ही आपने ग्राफ्टिंग करी है तो आपने नाइफ या उस पर थोड़ा सा सैनिटाइजर का जरूर यूज करिए, अच्छा है दोस्तों, अगर है तो आप बढ़िया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसमें, ये है हमारा ग्राफ्टिंग टेप दोस्तों। मैंने तो ग्राफ्टिंग टेप ली हुई है इस प्रकार की, अगर आपके पास नहीं है आप सिंपल पॉलीथीन का भी खींचते हुए उसका ग्राफ्टिंग टेप उसका बना सकते हैं। और इसको कवर करने के लिए प्लास्टिक दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप नहीं भी करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको लगा लेने से हमारी ग्राफ्टिंग काफ़ी सक्सेस रहती है, उसमें मॉइस्चर अंदर नहीं जाता है। बस इसी इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारा मॉइस्चर वहाँ ना पहुँचे जहाँ हमने ग्राफ्टिंग की है, इसलिए हम उसको ढक देते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने ये चूज किया हुआ है और इसके लिए मैं जो ग्राफ्ट करने जा रहा हूँ इसको दोस्तों,
देखिए ये वाला है कितना सुंदर फ्लावर आया हुआ है इस पर ये, और इसकी इसमें अभी फ्लावर नहीं आया हुआ दोस्तों, तो इसकी हम ले लेंगे, इसको मैं काटूंगा। तो दोस्तों ये देखिए इतना लंबा है ये, हमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, हालांकि एक दो हम इसमें से वो कर लेंगे। हमारे को ग्राफ्टिंग जो आपको करनी है एक उंगली के बराबर इतनी होनी चाहिए बस आपकी, ये दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे से ले लेते हैं अगर कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ हो, इसको एक बारी में ऐसे काट लें दोस्तों। दोस्तों वैसे वैसे कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जो आपका ये मदर प्लांट है जिस पर आप ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं उसका और इसका ये बराबर हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत मोटा है और इतना मोटी मेरे पास अभी कोई ग्राफ्ट है नहीं इसमें। अब आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें ग्राफ्टिंग में ये देखिए इसमें दो तीन जगह से इसमें फुटाव आ रखा है, तो आपको ये सब धीरे धीरे हटाने होंगे दोस्तों, बाकी सब आपको हटाने पड़ेंगे इसमें। कोशिश आपने करनी है कि आपका एक सिंगल, जब आप नए नए सीख रहे हो तो ज़्यादा उसमें कुछ फुटाव ना हो, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर है। और दोस्तों इन पत्तियों को हटा दें, दो तीन पत्तियाँ छोड़ देंगे हम इसमें, ये बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन दोस्तों इनको भी हम हल्का सा काट के छोटा कर देंगे। ये देखिए दोस्तों प्रकार से इसको रख लेंगे। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अपना आपने इसको काटना है नीचे से, आप थोड़ा सा ऊंचाई से ले, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से भी नहीं लेना है, थोड़ा सा इतना छोड़ते हुए, अगर एक ग्राफ्ट फेल भी हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम फिर आप कर सकें, उसके लिए आपको लेना है, क्योंकि ग्राफ्टिंग आप लगातार कर सकते हैं। दोस्तों इसकी यहाँ से ये फूट रही है, मैं यहीं से नीचे से इसको ले लेता हूँ और इसको एक बारी में सीधा कट हम मार देंगे। ये देखिए दोस्तों फ्लैट कट आना चाहिए आपका, इसमें कुछ काला काला सा आया है दोस्तों, उसको साफ करना पड़ेगा हमें। इसको दोस्तों ऐसे नैपकिन पेपर या कुछ कपड़े से हल्का सा इसको इस प्रकार से हल्का सा दबाते हुए, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा इसको साफ कर लें। अब दोस्तों अब हम इसमें वी क्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो आपको अब अपनी छोटी ब्लेड लेनी है और इसमें वी कट लगाना है आपको। देखिए दोस्तों पहला कट आप जब ऐसे मारेंगे तो थोड़ा सा तिरछा मारे दोनों हाथों से इस प्रकार से, देखिए बिल्कुल मध्य में लीजिए, और आप यहां से दूसरा कट मारेंगे दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा दूसरी साइड में तिरछा मारिए, ये देखिए दोस्तों हमारा निकल गया ये कट, ये निकल गया, इसको हम हटा देंगे। अब दोस्तों हमने इसको इसमें लगाना है, तो इसी प्रकार से जैसे हमने यहां भी बनाया है इसका भी हम शेप बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों इसको हम ज़्यादा लंबा आपको नहीं रखना है, हम इसको तो इसको यहाँ से ऐसे काट लेंगे दोस्तों। आपको क्या करना है इसको ब्लेड से जैसे हम पेंसिल छीलते हैं ठीक इसी प्रकार से छीलते हुए दोनों साइडों से इसको नुकीला बना लें। देखिए दोस्तों ये हमने नुकीला बना लिया, अब इसको हम इसके अंदर ऐसे डाल देंगे, थोड़ा सा आपको पुश करना है इसको। ये इतना बड़ा है दोस्तों, इसके साथ साथ देखिए मुझे लगता है कि इसमें एक ग्राफ्ट और हो जाएगा, मैं एक और लगाऊंगा इसके अंदर। एक दोस्तों हमने ये व्हाइट वाला लगाया है, एक हम इसमें दूसरा वाला कलर लगाएंगे, इसको भी मैं लेता हूँ। ये काम थोड़ा सा दोस्तों सावधानी से करने, बस ये छोटी छोटी पत्तियां तो इनको रहने दें। हाँ जैसे हमने उसका साइज लिया था दोस्तों, इसका भी थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। ब्लेड से इसको थोड़ा और साफ कर लीजिए दोस्तों, ब्लेड से बहुत सफाई हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा ऐसे ही हम फिर एक यहाँ से मारा,
बहुत आसान होता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको बस करने से ही ये प्रैक्टिस होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपसे गलती होगी, देखिए कितना अच्छा साफ कट बना है। और दोस्तों कर लेने में कोई बुराई नहीं है, अगर दोनों में से एक ग्राफ्टिंग फेल भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, और अगर दोनों ग्राफ्टिंग हमारे अच्छे हो गए तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा इसमें हमारे दो कलर निकल पड़ेंगे। क्योंकि हमारा बड़ा था इसलिए मैंने इसमें दो ग्राफ्टिंग ली है। इसको आपने थोड़ा सा ताकत लगाते हुए दोस्तों अंदर तक पुश कर देना है, क्योंकि नीचे आपका एयर पॉकेट नहीं रहनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों ये हमारी देखिए इसमें दोनों फिट हो गई है। अब दोस्तों आपको ये ग्राफ्टिंग टेप लेनी है इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा खींच लें दोस्तों ऐसे, ग्राफ्टिंग थोड़ा सा ग्राफ्टिंग को टेप को इस प्रकार से खींच लें कसते हुए। अब दोनों हाथों से पकड़िए, नीचे रख नीचे से स्टार्ट करें इसको ऐसे, थोड़ा सा नीचे से ये मैंने पकड़ा, और दोस्तों इस प्रकार से इसको फोल्ड करते हुए ले जाइए। इसको हमने पूरा कवर कर देना है, थोड़ा खींचते हुए जाइए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। ऊपर से एयर बिल्कुल ना जा पाए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना दोस्तों इसमें। दोनों के बीच में से एक बार ही और ले जाना पड़ेगा दोस्तों मेरे को, क्योंकि बीच का स्पेस हमारा शायद खाली रह गया था। ये अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप हो तो दोस्तों ये ग्राफ्टिंग टेप का फायदा ये होता है, देखिए ये टूटती नहीं है। नहीं है तो आप प्लास्टिक की पॉलीथीन जो होती है उसकी वाइट वाली पॉलीथीन उसका इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अब दोस्तों इसको हम एक रबड़ बैंड लेंगे, इसको 3-4 बार दोस्तों इस प्रकार से टाइट करके इसको, ये देखिए दोस्तों ये हमारा लगभग अब तैयार है। अभी इसको हम प्लास्टिक से कवर कर देंगे, अभी मैं प्लास्टिक लगाता हूँ दोस्तों इसमें। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप ग्राफ्टिंग करें जो चीज़ मेरे से अभी रह गई थी, एक चीज़ ये देखिए कि आप उसका उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा गीला ना हो, हल्का सा मॉइस्चर हो तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा आपकी मिट्टी उस टाइम पर गीली नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम छाया में रखेंगे, धूप में नहीं रखना है, अभी आजकल तो वैसे ही बहुत तेज़ धूप है, छाया में रखिए। कहीं भी ऐसी जगह देख लीजिए जहाँ आधे एक घंटे की सुबह मॉर्निंग की सनलाइट मिल जाए, नहीं तो उसको छाया में रखिए। और दूसरा दोस्तों इसमें 4-5 दिन तक अभी पानी मत डालना, इसमें बिल्कुल भी पानी मत डालिए। इसको जितना पानी इसके अंदर है ये इसके एनर्जी इसमें आराम से धीरे धीरे जाएगी, 4 से 5 दिन बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद फिर थोड़ा सा, और फिर 10-12 दिन के बाद फिर थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें पानी डाल देंगे दोस्तों, फिर ये तब तक हमारा ये ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमें इसमें इसको प्लास्टिक से हम कवर करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के हम कोई वो ले लेंगे आपके पास, अगर ये नहीं है तो आपके जो घर में नॉर्मल जिसमें सब्जी वगैरह आती है कुछ आती है उसको आप ले सकते हैं, इसको ले लीजिए आप इस प्रकार से, और इसको धीरे से ऐसे लगाते हुए दोस्तों यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे हम। इसमें फिर से रबड़ बैंड लगा देंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए। अब मेरे ये दो ग्राफ्ट इसमें लगभग तैयार है, देखिए दोस्तों एक तो इसमें मैं एक में बी से क्राफ्टिंग करूंगा, एक में फ्लैट करूंगा, इसमें भी दो लगाऊंगा, दोनों अलग अलग कलर लगाऊंगा दोस्तों। उसके लिए सबसे पहले मेरे को जो नीचे से ये आया हुआ है इसको मेरे को हटाना होगा, इसको हम हटा देंगे इस प्रकार से, इसको हटा दें। जो आप काट रहे हैं दोस्तों इनको अलग रखिए, ये देखिए दोस्तों इसकी मैं एक वी शेप ग्राफ्टिंग इसके साथ करूंगा, इसका ये लगभग बहुत अच्छा मैच कर रहा है इसके साथ साथ, बराबर भी है, इसको बहुत ऊंचाई करने ले जाते हुए यहाँ से करूंगा, दोनों की शेप बराबर ही रखूंगा दोस्तों मैं इतना। तो इसको हम पहले वी और इसमें हम फ्लैट ग्राफ्टिंग, और दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको काट लेंगे दोस्तों सीधा, एक ही बारी में काटना है आपको, ये कट गया, इसको थोड़ा सा साफ कर लें इस प्रकार से, हल्का हल्का हाथ नहीं लगाना आपको इसमें,
जो ब्लेड पहले हमने यूज किया था उसको हल्का सा सैनिटाइज कर लीजिए। हालांकि उसमें फंगस नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर नया ब्लेड है बिल्कुल ये, लेकिन कर लेना अच्छी बात है कि कहीं कुछ हो तो। दोस्तों इसमें देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं, ये सब आपको हटाने पड़ेंगे। मैं इसको यहाँ से इसको भी हटा दूंगा, इसको दोस्तों पहले बराबर कर लेंगे हम एक बार। ये कर लिया, अब इसकी दोस्तों इसी प्रकार से देखिए इसमें हम, ये बहुत छोटा है थोड़ा, इसमें आपको ध्यान से वी कट बनाना पड़ेगा। बहुत गहरा नहीं निकालना है आपको, बस थोड़ा सा नीचे तक जाते हुए। इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी कर लेंगे आप, इसकी नुकीला कर लीजिए इसको, और इसको इसके अंदर इस प्रकार से डाल देंगे। मैं इसको थोड़ा सा पुश करते हुए इस प्रकार से कि नीचे एयर बबल्स में रह जाए, स्पेस में रह जाए, इसको हम दबा इस प्रकार से दबा देंगे। दोस्तों अब ये तैयार है। जैसे दोस्तों मैंने पहले आपको, पहले वाले में आपको दिखाया ग्राफ्टिंग पेपर, अब आपके पास ग्राफ्टिंग पेपर नहीं है, इस प्रकार की आपके पास प्लास्टिक शीट है तो इनको आप काट लेंगे कैंची से। दोस्तों ये देखिए ये सीट मैंने निकाली अभी, इसमें से इसको थोड़ा सा खींच लें, इसको हल्के हाथ से खींच लें, ग्राफ्टिंग टेप की तरह उतनी मजबूत नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको भी थोड़ा सा खींच लीजिए आप इस प्रकार से, हल्का हल्का खींच लें। अब इसको लगाएंगे दोस्तों, देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा नीचे से रखें, आप चाहें तो उसको ऐसे डबल करके भी कर सकते हैं, तो बहुत चौड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बहुत हल्का ना हो। देखिए दोस्तों वहाँ तो हमने दो टेप, दो थी इसलिए उसको थोड़ा सा कवर करना मुश्किल था, ये तो एक है, ऊपर तक इसको ले जाइए। प्रकार से इसको बांध दीजिए दोस्तों। जब आपकी ये सक्सेस हो जाए तो उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद, जब थोड़ा सा बड़े हो जाए उसके बाद ही आप इस प्लास्टिक को निकालें, अभी बीच में निकालने की कोशिश ना करें दोस्तों। मैं तो 2-3 महीने तक लगे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, धीरे धीरे प्लास्टिक गल जाती है, फिर निकालने में भी आसान होती है, तब तक हमारी ग्राफ्टिंग थोड़ा पक्की हो जाती है। ऐसा ना हो कि 15 दिन बाद आपको लगे कि आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई और उसको आप निकाल दें, उससे क्या होगा दोस्तों आपकी ग्राफ्टिंग टूट भी सकती है, उसमें बहुत कच्ची होती है वो। देखिए दोस्तों ये मैंने प्लास्टिक की सीट से आपको दिखा दिया कि अगर ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप ऐसा ना हो कि आप सोचें कि हमारी ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती है, इस प्रकार से इसको करें और प्लास्टिक से ढक देंगे दोस्तों इसको आराम से। देखिए जैसे पहले हमने रबर बैंड लगाया था, अब मैं रबर बैंड ना लगाते हुए इसमें आपको रस्सी से दिखाऊंगा। जो आसान लगता है दोस्तों आपको वो करिए, देखिए रस्सी से करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस इसमें थोड़ा सा आपको टाइट रखना है जिससे कि नीचे से एयर पास ना हो, ये ध्यान रखना है। टाइट और अच्छी मजबूत वाली रस्सी लेनी है बस दोस्तों, इसको इस प्रकार से छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वी ग्राफ्टिंग हो गया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इसमें फ्लैट ग्राफ्टिंग करेंगे, आपको साइज वही लेना है जैसे आपने इसमें लिया था, बराबर ही कोशिश करें। दोस्तों हमने यहाँ पर ग्राफ्ट किया है, इसका यहाँ पर ले लेते हैं हम थोड़ा सा ऊपर करते हुए। देखिए इस प्रकार से एक बार ही हमने इसको निकाल लिया, उसको मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि एक बार उसको काटने के बाद इसके बाद ब्लेड से इसको काट देता हूँ, जिससे कि अगर मेरी नाइफ के अंदर कोई कुछ भी आया हुआ है तो
उससे उतना शार्प आता भी नहीं है दोस्तों, जितना अच्छा ये ब्लेड से हमें देता है। नई ब्लेड आपको लेनी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और दोस्तों मैंने इसमें एक अपना पिंक कलर का किया था, अब इसमें एक मैं वाइट करना चाह रहा हूँ, वाइट वाला लेना चाह रहा हूँ, तो मैं वाइट वाला इसका लेता हूँ दोस्तों, ये वाला लेता हूँ। देखिए कितना सुंदर फूल है इसका, इसको लेना चाह रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे से लूँगा यहाँ से, और इससे क्या है, इस प्लांट ये प्लांट भी हमारा और अच्छा हो जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ से दो तीन और हमारे फुटाव आ जाएंगे दोस्तों। ग्राफ्टिंग का ये भी फायदा होता है कि आप जहाँ से उसको काट रहे हैं वहाँ से उसके दो तीन और भी फुटाव आ जाए दोस्तों, इससे हमारी दो तीन कलमें लग जाएंगी। एक बार इस एक चीज का ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ये बहुत ज्यादा नहीं लेनी है, लगभग ये इसकी जो लेंथ है वो लगभग आधे इंच के बराबर हो, बस उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। और इस चीज का ध्यान रखें कि बड़ा एक साइड जो मोटी वाली होगी वो नीचे की तरफ है, और जो पतली वाली साइड है ये ऊपर की तरफ है। ये भी आपने अगर उल्टी कर दी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। ये भी अभी मेरी ज्यादा हो गई दोस्तों, देखिए मैं इसको और कम करूंगा, ये इस प्रकार से, क्योंकि दोस्तों ये जितनी बड़ी हम इसको लेंगे फिर हमारे को ये फिट करने में बहुत दिक्कत करती है, और अगर आप छोटी लेंगे फ्लैट ग्राफ्टिंग तो आपके आराम से हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, इसको बिल्कुल आपने मध्य में टिका देना है ऐसे, हालांकि ये काफी चौड़ी है फिर भी आप इसको थोड़ा सा दोस्तों जहां से आप इस प्रकार से है इसको चौड़ा कर लें इस प्रकार से, खासतौर पर मध्य भाग पर, ये जो बीच का हिस्सा है जहाँ से आप इसको दबाएंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से रखें। अब हम इसको बीच में ऐसे रखेंगे, अगर आप चाहें तो इसको दोस्तों फेविक्विक से कुछ हल्का सा लगा के चिपका भी सकते हैं, वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। दोस्तों हम इसको इस प्रकार से रखेंगे, देखिए दोस्तों अब इस प्रकार से हमने इसको रखा, और इसको हल्का सा दबाना है आपने, और यहाँ से बस दबा के रखें इसको, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर रुक के। ये अगर आप नए हैं तो इस प्रकार का मेथड आप अपना सकते हैं, थोड़ी देर बाद आपका ये जाम हो जाएगा दोस्तों। अब आपको इसको लगाने में बहुत आसानी रहेगी दोस्तों, देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इनका ऊपर से ऐसे रखते हुए आराम से ये रखें, एक हाथ का इस्तेमाल करें, एक इसको पकड़ें और इसको उल्टा घुमाते हुए ऐसे ले आइए, और जो दूसरा था इसको दूसरी साइड से ले आए दोस्तों, और अब इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें, घुमा दीजिए इस पर खींचते हुए, आपकी ये सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितना इसमें एयर का चांस रखा है। अगर आपने इसको सही से खींचते हुए इस प्रकार से कर दिया तो आपकी ये ग्राफ्टिंग बिल्कुल सक्सेस होगी। और दोस्तों ये ये जो ग्राफ्टिंग टेप होती है इतनी बहुत बारीक होती है, जब इसके अंदर नया अंकुर आएगा तो ये टेप को अपने आप फाड़ देगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऊपर से अपने आप निकल आएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके नीचे से, अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दोस्तों ये यहाँ से हल्का सा ये देखिए कुछ लग रहा है कि निकल सा रहा है, इसको हमें दबाना होगा, इसको फिर एक टेप का छोटा सा टुकड़ा लेते हुए मैं इसको बस दोस्तों ये हमारी तैयार है। तो इसमें इसी प्रकार से देखिए, ये ग्राफ्टिंग के लिए ही मैं इतनी सारी ये पॉलीबैग्स लाया हूँ दोस्तों, देखिए अगर हमें ग्राफ्टिंग करनी है तो मेरे अब सालों साल पता नहीं कितने साल काम आएगी दोस्तों, बहुत है ये, इसमें 100 पीसेस हैं करीब करीब, 100 ग्राफ्टिंग मैं इससे कर सकता हूँ, 5-10 साल तक मेरा आराम से इस्तेमाल आती रहेंगी। इसको इस प्रकार से लगाएं और इसको ढक दें दोस्तों। मैं आपको ये बता रहा था कि जब इसमें यहाँ से ऊपर से निकलेगा तो ये पॉलीथीन अपने आप पड़ लेगा, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि ग्राफ्टिंग के नीचे वाले हिस्से जो मैं हमारा हिस्सा ज्वाइन किया हुआ है उसके नीचे से अगर कहीं से कुछ निकल रहा है तो उसी समय उसको वहीं से हटा दें, और बहुत संभावना है दोस्तों कि उसके साइड से कुछ निकल सकता है। मैं आपको ये दिखाऊँ, मैंने स्टार्टिंग में इसकी ये हटाया था यहाँ से, तो यहाँ भी संभावना है दोस्तों कि यहाँ से कोई एक नई कुछ और नया अंकुर फूट सकता है, उसी समय आपको उसको वहाँ से हटा देना, हाथ से ही हटा देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, कहीं से भी आपकी ग्राफ्टिंग से नीचे वाले एरिया में कहीं भी अंकुर को होने न दें, नहीं तो सारी एनर्जी वही ले लेगा और आपकी ग्राफ्टिंग
फिर सही नहीं होगी। आप इस प्रकार से ग्राफ्टिंग करेंगे तो आपकी ग्राफ्टिंग भी सक्सेस रहेगी, और आप जैसे आपने हमारे फ्लावर्स देखे अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप एक ही प्लांट में अलग अलग प्रकार की ग्राफ्टिंग करके अपने प्लांट को भी कलरफुल बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने सारी ग्राफ्टिंग कर ली है, कम से कम 19 हमने ग्राफ्टिंग की हुई है। जैसे कि हम ये प्लांट है, इसमें हमने 4 ग्राफ्टिंग की है देखिए, और इसमें हमने 2 की हैं, और इसी प्रकार से हमने एक में कई कई की हैं, इसमें हमने 2 लगाई हैं, और ऐसे ही हमने सारी प्लांट्स में ग्राफ्टिंग कर ली है। तो दोस्तों आपने आज ग्राफ्टिंग अच्छे से सीख ली होगी मैं उम्मीद करती हूँ, और आप भी अपने एडिनियम में इसी प्रकार से आप ग्राफ्टिंग कर लेंगे ताकि आपके एक ही प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर आ जाएं और अपने फ्लावर का आप आनंद ले पाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, बेल बटन भी अवश्य दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।